जय श्री राम दोस्तों, मेरा नाम सुमो, आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल ब्रूडल सुमो। तो कैसे आप लोग, उम्मीद करता हूँ समझ होंगे, हंसी खुशी जी रहे होंगे। तो गाइस, जैसे आप लोग ने वीडियो का स्टार्टिंग में देखा भाई, हमें स्पॉन आइलैंड मिलता है एक सूट वाला भाई, एवलांच एक्सूट, और भाई जो उसको भगा भगा के मारते और उसको लास्ट में जो ट्रोल करा, बस देखते रहना, मजा आ जाएगा। थोड़ा सा आ गई है क्लिप एक आध मिनट के ड्यूरेशन पे, पर उससे पहले हम लोग उतरे यहाँ पे स्नैपोलियन, और भाई उतरते साथ आप देख सकते हैं आपका भाई ले गया भाई UMP लेके बंदों को मारना शुरू कर चुका है। अब क्या होता है, यहाँ मेरे को एक बंदा दिखता है इस छोटा सा खिड़की इसके अंदर, तो मैं यहाँ पे स्प्रे देता हूँ उसको, थोड़ा बहुत गोली लगता है, ज़्यादा नहीं थोड़ा बहुत लगता है। फिर ये आता है बॉट, अब भाई इस बॉट को भी मैं बहुत डैमेज देता हूँ इसको, फिर मैं किल भी कंफर्म कर लेता हूँ। फिर ये होता है ना, ये मतलब जो होता है रोड के क्रॉस करके हम लोग इस तरफ आते हैं, और इधर पे एक बॉट मिलता है, इस बॉट की मैं पेटी बनाता हूँ सबसे पहले, और भाई इस बॉट की पेटी बना के मैं ऊपर आता हूँ। अब यहाँ पे क्या होता है, मेरे को फुटस्टेप आता है, पर असल में ये भी बॉट होता है, और इसके बाद मैं इसको मारते हुए एक और फुटस्टेप आता है, वो भी बॉट होता है, कसम से बॉट बहुत हो गए। और भाई ये वॉइस ओवर कर रहा हूँ मैं 19 तारीख को, और मोड जा चुका है आज, तो भाई आज भी हमने गेम प्ले करे, पर ज़्यादा किल नहीं निकले, पर खतरनाक उसमें भाई एक्शन था मजाक सट के। अब देखते हैं ऊपर आपको दिख रहा है एवलांच एक्सूट हम लोग से भाग रहा डर के, और भाई इसको हम लोग पूरा यहाँ ढूंढ रहे होते हैं, और मेरे को अचानक से दिखता नीचे ये पोल के पास, मतलब भैया जी अगर आपके पास एक्सूट है तो आप क्या इसे छुपके खेलोगे? नहीं नहीं एक्सूट है भाई, हमारे पास एक्सूट नहीं है, हम साले ढूंढ ढूंढ के मार रहे हैं, यहाँ बंदे पे एक्सूट है, एक्सूट है मतलब अच्छा डिवाइस भी, और अच्छा डिवाइस होने के बाद भी अगर आप इसे कैंप करोगे तो भाई तब तो थू है भाई आप किस में। अब क्या होता है, मेरा टीममेट यहाँ पे चिप्पी चिप्पी चापा चापा कर रहा होता है इसके साथ, और जैसे ये रुकता है फिर मैं इसके साथ थोड़ी अश्लील हरकत करता हूँ, और इसके पीछे UMP की एक गोली लगा देता हूँ, क्योंकि देखो पेटी बनाना ज़रूरी है। और ये बंदा फिर रिस्पॉन्ड होकर आता है, पर इस बार इसके मेरा टीममेट इसको मार देता है, और भाई अब उसके बाद मैं आ जाता हूँ इस वाले घर पे, क्योंकि हम लोग को यहाँ से था फुटस्टेप, तो मैं और मेरा टीममेट दोनों मॉली करते हैं, पर भाई मेरी किस्मत थोड़ी अच्छी होती है, बंदा निकलता है मेरी मॉली से नॉक। अब भाई मेरी मॉली से नॉक निकला, मैं यहाँ पर रुकता हूँ कि भाई मॉली खत्म होगी तो अंदर जाकर फिनिश करूँगा, पर बंदा मॉली में जल के अपनी पेटी भी दे देता है मुझे। उसके बाद मैं थोड़ा सा घूम के आता हूँ, मेरे को फुटस्टेप आता है नीचे से, अब भाई जैसे मैं इधर आया भाई बंदा, मेरे को लगा बंदा होगा पर असल में ये बॉट था, इस बॉट को मार के भाई हम लोग आ गए सीधा यहाँ पे छोटा घर होता है जहाँ पे ये क्या बोलते हैं ट्रिपल स्टोर के सामने वाला घर, इस टाइम में वहाँ उतरता हूँ मैं। अब वहाँ उतर के मेरे को ये जो एक बंदा दिखता है हल्का सा भाई, ये किस पे तो कैंप करके खतरा वाला नेड वेड करने वाला था, पर भाई नेड गाड़ू मैं, अब मैं फेंकता हूँ एक नेड, नेड फेंकूँ नॉक ना निकले ऐसा हो नहीं सकता, फिर मैं सीधा रश करता हूँ। और क्या होता है, सबको लगता है कि भाई अपने टीममेट आगे घुसाओ, मैं पहले आगे जाता हूँ, क्योंकि भाई खेल थोड़ा सा मेरे को चाहिए। मैं यहाँ पे मेरा जो टीममेट मतलब टीममेट नहीं, मैंने जिसको नॉक निकाला तो वो नॉक था ही, पर उसका टीममेट एक अलग था, वो भी नॉक कर देता हूँ मैं बाद में। अब क्या होता है, ये बंदे आते हैं भाई कटाना पर, कटाना में मैं इसको उजी से हेड मारता हूँ, मेरे को लगा था मर जाएगा पर नहीं, और देख सकते हैं मेरे को ऊपर आता है फुटस्टेप। अब भाई मैं नेड खींच के जाता हूँ, और देखो यहाँ मैं सीधा उसके मुँह पर नेड फेंकता हूँ, और बंदा नेड़ से भागने आ रहा था पर बेचारे की किस्मत फूटी, वो सीधा नेड़ में आके घुस गया, और घुसते साथ भाई मैंने उसकी UMP से पेटी डाल दी। और अगर आप लोग वीडियो अभी तक देख रहे हो मतलब आपको ये वीडियो पसंद, अगर पसंद आई तो भाई नीचे जो लाइक का बटन उसको ठोक दो यार, उसमें शर्माना नहीं चाहिए बिल्कुल भी, उसको ज़रूर ठोको, उसको जितना जोर से सकते हो उतना जोर से मारो ताकि मेरी वीडियो और थोड़ा आगे जाए। और अगर मेरे आपको थोड़ा भी अच्छा लग रहा है तो एक दोस्तों को शेयर कर दो, गाली देना तो उसके लिए भी शेयर कर दो भाई, मेरे को व्यूज़ आने चाहिए भाई, मेरे सब्सक्राइबर बढ़ने चाहिए, बस बात कर। अब यहाँ पे लैग देख सकते हो आप लोग, मैं इस लैग में M249 लेकर भाई दो बंदों को नॉक निकाल दो। अब भाई मेरे टीममेट यहाँ मेरा किल कंफर्म करवा देते हैं, वैसे मेरे को तो रॉयल पास के मिशन के लिए यहाँ पे इसको M249 से मारना था, पर कोई नहीं। अब क्या होता है, मेरा टीममेट यहाँ नॉक निकाल देता है, मैं जाता हूँ फिनिश करने, तब तक मेरे को अपार्टमेंट से किसी ने कैंप करके भाई वहाँ से नॉक कर दिया। अब मैं जैसे ही यहाँ नॉक करता हूँ मेरे सामने बंदा रिवाइव हो रहा है, और वहाँ पे तीन बंदे, अब भाई यहाँ पे लैग की वजह से मेरे को थोड़ा मूवमेंट करने में दिक्कत हो रहा था, पर फिर भी भाई मैं पीक करके इस बंदे को जल्दी से एक हेड मार के नॉक कर देता हूँ, पर भले ही बाद में मैं भी नॉक हो जाता हूँ। अब क्या होता है, मेरा टीममेट यहाँ पे थोड़ा मेरे को कवर देता है, क्योंकि मेरे को यहाँ पे रिवाइव होना था, और ये जो मेरे सामने था ये किसी और ने नॉक कर दिया, मैं अपने टीममेट को भाई किल उठा ले जल्दी से। अब क्या होता है, मुझे भागते हुए एक बंदा दिखता है, अब भाई ये बंदा भाग रहा था, मैंने सोचा इसको मारूंगा, पर मेरा जायरोस्कोप डिले, मैं क्या बोलूँ उसकी वजह से मैं उसको मार नहीं पाया, पर मेरे को तब एक नॉक बंदा दिखता है, पर ये असल में बॉट था, तो मैं इस बॉट की क्लियर चोरी कर लेता हूँ, और मेरे टीममेट को कोई कर देता है नॉक उसी साइड से, मैं रिवाइव दे रहा होता तब तक इस खिड़की से कोई बंदा आ रहा है, और मेरा टीममेट वहाँ से ही हटता नहीं पता नहीं क्यों। फिर मैं यहाँ पे इसको डैमेज देता हूँ, फिर मैं सीधा M4 निकालता हूँ, बंदा बैठ गया,
और भाई इसकी पेटी में सबसे पहले डालता हूँ, मेरे को नहीं चाहिए था कि भाई ये मेरा किल कम हो जाए, पर मेरे को समझ नहीं वो बंदा मेरे आगे बैठा है भाई, ठीक है होटल है टेकना है भाई, अब उनको दिक्कत है पूरी टीम से टिकवा देते, पूरी टीम बैठ जाती है, और क्या चाहिए था मुझे। अब क्या था मैं ये जॉर्जो पुल आ जाता हम लोग, मैं यहाँ पर रश कर रहा था भाई, मैं मॉली फेंकी मैंने और भाई मॉली से एक सीधा नॉक निकाल देता हूँ, और मेरे सामने एक और बंदा नॉक पड़ा तो इसकी भी M249 से मैं पेटी बनाता हूँ, फिर उसके बाद हम लोग आगे सीधा अपार्टमेंट भाई। अब अपार्टमेंट क्या होता है, सामने वाले अपार्टमेंट किसी ने किसी को नॉक किया था भाई, मैंने तो किल फीट पड़ी, मेरे को मालूम था ये बंदे यहाँ से निकलेगा ही, तू भी आ जा तू इधर बैठ जा, और जैसे ये बंदा ऊपर में जाता है मैं इसकी पेटी डाल देता हूँ सबसे पहले। अब क्या था ये नीचे से एक और बॉट जा रहा होता है, अब इस बॉट को मैंने नीचे जो बंदे थे उन्होंने नॉक किया, और भाई मैंने आके सीधा यहाँ पर किल चुरा लिया इन लोग का। अब क्या था हम लोग फिर जॉर्जो पुल आते हैं, क्योंकि देखो भाई आप मर जाते हैं बार बार, अब हमारा डिवाइस इतना अच्छा नहीं कि हम लोग लास्ट तक सर्वाइव करें, पर मर के हम लोग फिर आ जाते हैं अपार्टमेंट ताकि फाइट कंटिन्यू रहे, अपार्टमेंट की फाइट कम से कम अपार्टमेंट पे दिखे, भले ही दो अलग मैचेस किए उससे फर्क नहीं पड़ता। अब क्या होता है देखो, और भाई एस मास्टर लॉबी करीब है तो समझ जाओ थोड़ा मुश्किल, थोड़ा हार्ड लॉबी आता ही है, फिर भाई उसमें भी ऐसे किल निकालना, 5-6 किल करते रहना, वो भी थोड़ा अच्छा, तो मैं नहीं बोलूँगा कि भाई मैं प्रो पर ठीक है नॉर्मल फेक तो नहीं दिखा रहा हूँ। अब क्या होता है भाई यहाँ पे एक बंदा सीधा हम लोग को स्पाइडरमैन चढ़ के यूज़ करके रश कर रहा होता है, अब भाई मैंने तो उसको नॉक कर दिया, अब भाई मेरे टीममेट ने उसकी पेटी भी डाल दिया, भाई मेरे को दूर से एक बॉट भी आते हुए दिखता है, तो सबसे पहले तो मैं इस बॉट को भी नॉक कर देता हूँ, और फिर मैं इसकी एक एक गोली मार के पेटी भी बना देता हूँ, क्योंकि देखो पेटी बनाना ज़रूरी है। अब क्या होता है ये देखो बंदा है लेवल 3 का हेलमेट पहन के नीचे गया, लेवल 2 का हेलमेट मुझे समझ गया सेम बंदा था या उसका टीममेट था, पर पता नहीं जो भी था, मेरे को यहाँ पे अपना किल मिल गया, बस बात खत्म, मेरे को किल से मतलब है और किसी चीज़ से नहीं। फिर क्या था यहाँ पे मैं थोड़ा TPP ले रहा हूँ, तो अब भाई सामने था बंदा, इससे बचने के लिए मैंने TPP लिया, अब पीछे मेरे को पड़ गई पहाड़ से गोली, अब उसके बाद हम लोग आ गए सीधा पोचिंग की मैं, अब मेरे को आता है फुटस्टेप की, और एक बंदा मेरे साथ लैंड किया यहाँ पे, तो भाई मैं इस घर के ऊपर चला जाता हूँ ऊपर वाले फ्लोर पे, क्योंकि भाई मेरे को यहाँ पे थोड़ा बंदों का डर था कि भाई चला कहीं से भी आके मार सकते। अब जैसे इसी बंदे को देख लो भाई UMP है उजी है इस पर बंदा रश नहीं कर रहा, क्योंकि भाई इसका एक टीममेट था और ये बाहर से आ रहा था इसका टीममेट, भाई जैसे मेरे को साउंड आया पहले तो मैंने बाहर वाले को नॉक किया, उसकी पेटी डाल रहा था पर उसकी पेटी नहीं डाली, वो थोड़ा सा लेफ्ट राइट हो जाता, क्योंकि अगर उसकी पेटी डालता तो यहाँ मेरी पेटी बच जाती। अब भाई इस बंदे की पेटी मार के एक फुट स्टेप आता है मेरे को इस घर से, भाई हम लोग छत पे चढ़े, मैं यहाँ पे सीधा कूद जाता हूँ ये जो शेक है इसके ऊपर वाली छत पे, और इससे मैं सीधा खिड़की पे आके देखता हूँ बंदा का, और ये बंदे ने ईयरफोन नहीं पहनते, पूछे कैसे भाई, इसके मुंह पे जाके इसको मैं मारता हूँ, फिर भी पता नहीं ये, और ये एक HP था वो भी हो सकता है, पर भाई इसका टीममेट को मैं यहाँ पे बहुत डैमेज था, अंधा डैमेज, पर भाई ये ना उजी था भाई, गोली खत्म हो जाता, अब मेरा टीममेट आता है उसने पहले तो मेरा किल कंफर्म करवा दिया, अब उसने आके इस बंदे को भी नॉक कर दिया, अगर मेरा ये टीममेट इस बंदे को नॉक नहीं करता तो भाई पता नहीं मैं क्या बोलता भाई, ये बहुत बहुत बुरा लगता है कि भाई एक HP करने के बाद भी नहीं मार पा रहा, पर वो सब हटा, फिर मेरे को यहाँ पे एक बॉट मिलता है। अब देखो यहाँ पे बॉट मिलता है तो पहले तो इस बॉट का किल कंफर्म करता हूँ मैं, अब उसके बाद यहाँ मेरे टीममेट को जिसने मारा किल फीट पड़ो, यहाँ पे एक को तो जिसने नॉक किया उसको मैं डैमेज था, पर किसी और ने दूर से आके उसको मारा, और जो उसको दूर से आके मारता है भाई उसको किसी और ने नॉक किया, पर उसका किल मैं उठा लेता हूँ असल में। अब उसका किल उठा के अब कहते मेरे को यहाँ बंदे दिखते, अब देखो पहले मेरे को बंदा दिखा मैंने इसको किया नॉक, अब मैं सीधा सामने वाले घर पर चला जाता हूँ रश करने के, फिर मेरे को ये जो गेट खुला है मेरे को इसके बगल में बंदा दिखता है, मैं फिर इसको नॉक करता हूँ, इस बार भी मैंने डैमेज दिया, पता नहीं भाई मैं बोल रहा हूँ ना एक ग्लिच है, बस एक ग्लिच की नॉक होने के बाद वो बंदे को डैमेज नहीं पड़ा तो वो ठीक कर दे BGMI, बहुत बढ़िया चीज़ होगी, बहुत किल मेरे बच जाएंगे। अब क्या होता है जैसे इधर मैंने एक बंदे को मैंने बॉट को नॉक किया, अब भाई इस बॉट को नॉक करके मेरे को लगा ये असली बंदा, इसलिए मैं थोड़ा सा मेरा एम यहाँ पे लेफ्ट राइट हो गया, पर असल में ये बॉट था, और एक बॉट ने मेरे इस बॉट की किल चुरा ली, यहाँ पे धुआं निकला होगा आपको थोड़ा सा दिखा होगा साइड में। अब उसके बाद हम लोग आ जाते हैं मिलिट्री बेस, अब भाई वहाँ से रिस्पॉन होकर हम लोग आते हैं, अब क्या होता है मेरे को नीचे से आता है फुटस्टेप, मैं सीधा घुस जाता हूँ भाई रस्ते में, बंदे पे DVS थी, पर बंदे का मेन गलती था कि गेट के पीछे छुपा हुआ था। अब क्या होता है हम लोग को वहाँ पे एक पैराशूट लैंड करते हुए दिखता है जो होता है ना ऑफिस टाइप वहाँ पे, अब भाई हम लोग यहाँ से चढ़ रहे हैं, मेरे को सामने बंदा दिख चुका है, और मेन बात है कि बंदे को मैं दिख चुका था, बंदे ने भी अच्छा खासा डैमेज दिया भाई, बंदे ने कम डैमेज दिया बंदे ने भी बहुत अच्छा डैमेज दिया। उसके बाद मेरा टीममेट यहाँ पे मैं अपनी DP रिलोड करता हूँ, उसको कोई ये जो सामने चिमनी होती है उसके सामने जो टावर है उससे किसी ने नॉक कर दिया। अभी मैं जैसे ही बंदे को देखता हूँ पहले तो मेरा DP का बस अच्छा नहीं जाता, तो मैं पहले बस एक हेड मारता हूँ, फिर मैं यहाँ पर बहुत डैमेज दूँ, पर मेरी टीम तब तक उस पर रश कर चुकी होती है तो मेरे को वहाँ पे किल मिलता नहीं असल में। अब भाई हम लोग यहाँ पे ये शॉप से कुछ शॉपिंग कर रहे थे, तब आती है हमको एक आवाज़ की, एक बगी और एक ट्रूप आई है और एक प्रॉपर एक स्क्वाड आई है। अब भाई उसमें मैं एक टीममेट को यहाँ पे खत्म कर दिया, पूरा फिनिश डाल दिया। अब भाई यहाँ मैं बैठा हुआ कि मेरे को मालूम है एक बंदा तो इधर आएगा ही, अब जैसे ये बंदा है इसकी मैं पेटी डालता हूँ, और तब तक मेरे टीममेट के पीछे से एक और बंदा DP ये क्या है DVS लेके आ जाता है, और भाई उसको मैं यहाँ भगा भगा के मारता हूँ, फिर हम लोग आते हैं सीधा यहाँ पे चिकन डिनर कर जाता है इस वीडियो में चिकन डिनर। तो अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब कर दीजिए, मिलता हूँ आपसे वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, सी यू, सायनारा, जय श्री राम, जल्द मिलेंगे अगली वीडियो लेकर, बाय बाय।
ए भाई तू भाग क्यों We गया? are जीत number गया हूँ। one. We are the best. हवा नु चीरदा जावे लगे बाज दी चों जहर हथ नहीं।